विद्यार्थियों, आपके बीच 51 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट है, लाजवाब है सभी कंपटीशन के लिए। और क्लास में पहली बार है तो क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सके। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन लाजवाब है, वेरी मोस्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 जून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको इसके विषय में और जानकारी देना चाहेंगे कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष नाविक दिवस मनाया जाता है और सरकारों, शिपिंग संघों, व्यवसायों, जहाज मालिकों और अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को इस दिन को सार्थक और उपयुक्त तरीके से समर्थन देने और मनाने के लिए कहा जाता है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। विद्यार्थियों, आपके बीच 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। पहला ऑप्शन है विवेक प्रधान, दूसरा ऑप्शन है विक्रमजीत सेन, तीसरा ऑप्शन है S.S. मुंद्रा और चौथा ऑप्शन है रजनीश कुमार। विद्यार्थी, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी S.S. मुंद्रा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि BSE के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नेतृत्व की जिम्मेदारी अब एक जनहित डायरेक्टर S.S. मुंद्रा के ऊपर है और श्री मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। 3 साल तक सेवा देने के बाद श्री मुंद्रा ने जुलाई 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपना पद छोड़ दिया और इससे पहले उन्होंने जुलाई 2014 में सेवानिवृत्त होने तक बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों पर कार्य किया। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बता दें विद्यार्थियों, कम से कम इससे 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यार्थियों, आपके भी 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने घरेलू रॉकेट नूरी का इस्तेमाल करते हुए अपना पहला उपग्रह कक्षा में भेजा है? आपके बीच ऑप्शन भी है दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, कुवैत और थाईलैंड। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिण कोरिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि दक्षिण कोरिया ने घरेलू रॉकेट का उपयोग करते हुए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इससे देश की बढ़ती एयरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला है और यह साबित हुआ है कि प्रतिद्वंद्वी उत्तर कोरिया के साथ तनाव के बीच बड़ी मिसाइलों का निर्माण करने और जासूसी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियां दक्षिण कोरिया के पास है। और यहां के विज्ञान मंत्रालय ने बताया कि 3 चरणों वाले नूरी रॉकेट ने एक दक्षिण आइलैंड पर दक्षिण कोरियाई स्पेस लॉन्च फैसिलिटी से 435 मील की लक्ष्य ऊंचाई पर एक कार्यरत परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके बीच 54 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गरुण एरोस्पेस निम्नलिखित में से किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है, पहला ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, मालदीव। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मलेशिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस प्रदाता गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मलेशिया में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसके घटकों को भारत और अन्य देशों से आयात किया जाएगा। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने छात्रों के लिए लॉन्च किया एक नया डिजिटल
प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है, और पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन HDFC बैंक, चौथा ऑप्शन IDBI बैंक। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ICICI बैंक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी से थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ICICI बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, और यह प्लेटफॉर्म पूरे छात्र पारिस्थितिकी तंत्र की विविध मांगों को पूरा करता है, और इसमें माता पिता, संस्थान और स्टूडेंट शामिल हैं। नया कैंपस पावर प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को लिए उनके लिए सही वित्तीय उत्पाद खोजने में मदद करता है, और क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय खातों, शिक्षा ऋण और उनके कर लाभ, विदेशी मुद्रा समाधान, भुगतान समाधान और कार्ड, अन्य ऋण और निवेश सहित बैंक खातों की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है। इसी जानकारी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर।